नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार, उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग रमेश सर के साथ जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो रमेश सर को पूरा उमंग स्टडी परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ एजुकेशनल इंटरव्यू के लिए तैयार हुए हैं, ताकि अपना डिटेल्ड एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सके और इनके एक्सपीरियंस से आपको कोई जानकारी मिल सके। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। तो आज के इंटरव्यू का हम लोग सिलसिला जारी करें फ्रेंड। उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, बैंकिंग, SSC, यहाँ तक इंडिया में उन्हें होने वाले 400 से भी ज़्यादा एग्जाम्स का आप लोग 30,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट ला सकते हैं, केवल और केवल एक सिंगल टेस्ट बुक पास से। तभी आप लोगों के लिए तीन तरह का ऑफर रनिंग है। 28 तारीख से पहले टेस्ट बुक पास परचेज करते हैं तो आपको 6 मंथ का टेस्ट बुक पास फ्री मिलता है, साथ ही एक लकी विनर को महिंद्रा का थार जीतने का मौका मिलता है। और जो 6 मंथ टेस्ट बुक फ्री वाला ऑफर है, ये 28 के बाद बहुत ही ज़्यादा लंबे समय के बाद आएगा। तो सर, आपसे सबसे पहला रिक्वेस्ट है कि आप हमारे सब्सक्राइबर्स को अपना परिचय दें। मेरा नाम रमेश प्रसाद है, मैं हेल्पर में के पद पर बहाल हुआ था 10 मई 2012 को। 2012 RRC के द्वारा मैं एग्जाम दिया था ग्रुप डी का, धनबाद में ही फिजिकल दिया, रिटर्न दिया मुजफ्फरपुर में, वेरिफिकेशन करवाया पटना में, मेडिकल करवाया दानापुर में, हमको चयन करके धनबाद डिवीज़न भेज दिया गया जी। मैं 3 साल ही हेल्पर के पद पर रह सका, बीच में GDC डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकला, मैंने उसमें बैठा, मैं सफल हो जी। सफल होने के बाद मैं Grade 3 में आ गया, Grade 3 मतलब Technician 3। हाँ, Technician 3 बन गया, इसके बाद 2 साल के बाद Technician 2 बन गया, फिर अभी हम 2 साल के बाद Technician 1 के पद पर कार्यरत जी। तो सर, आप मुझे ये बताइए कि आपने 2012 में जब रेलवे को ज्वाइन किया था तो आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के हेल्पर के पद पर थे, तो उस समय आपका काम क्या होता था, करते क्या थे आप? उसमें हम ज्वाइन किए थे तो अपना सीनियर के साथ जाते थे, हेल्पर का जो काम होता है, सीढ़ी ले जाना, घुड़ंची ले जाना, चढ़ने पल पर उनको टूल्स देना, ग्लास देना, पेचकस देना, टेस्टर देना, यही सब हमारा काम था। वो काम करते थे, उसमें हम देखते थे जी, उसे हम सीखते थे। तो सर, आपने GDCE एग्ज़ाम को क्रैक किया है, तो बहुत सारे रेलवे के जो एम्प्लॉई हैं वो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि GDCE का आप कंप्लीट एक्सपीरियंस हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करें कि GDCE का जो आपका एक्सपीरियंस रहा वो कैसा एक्सपीरियंस रहा, एकदम बेसिक से लेकर के कंप्लीट जर्नी स्टेप बाय स्टेप आप हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करें। 3 साल में मैं GDCE का एग्ज़ाम दिया, दिए तो बहुत से साथी लोग, 30 साथी थे, लेकिन मैं सफल कर गया। कुछ लड़के जो मेहनत किए, हम मेहनत के दम सफल कर गए जी, पास कर गए। कुछ लड़के जो मेहनत नहीं किए वो सफल भी हो गए। सफल हो गए तो हमको Grade 3 के पद पर प्रोन्नति मिली है, फिर Grade 2 बने, फिर Grade 1 बने। तो सर, GDCE एग्ज़ाम के सफलता का मूल मंत्र यदि आपसे मैं पूछना चाहूँ तो आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सा ऐसा एक मूल मंत्र रहा जो कि आपके GDCE एग्ज़ाम में सफलता का मेन रीज़न रहा, जो आपको सफलता दिला पाई? सफलता का रीज़न यही रहा कि हम रेगुलर माने स्टडी करते जाते थे जी, पढ़ते भी थे, काम भी सीखते थे। कुछ लड़के काम में ज़्यादा तल्लीन रहते थे, पढ़ाई की ओर कम ध्यान दिया करते थे, तो वह सफल हो गए जी। हम जब पढ़ते थे, पढ़ते पढ़ते हमको नॉलेज हो गया था, हम बैठे हम पास कर गए, और सीनियर लोग हमको हेल्प कर रहे हैं, फिर काम सीख रहे हैं जी। Grade 1 के पद पर है, अब देखिए NCM बनेगा, आने पर फिर इंजीनियरिंग का वैकेंसी फिर GDCE से आता है, और उसमें बैठे तो उसमें पास कर जाएंगे तो हम इंजीनियर बन जाएंगे। अच्छा, और नहीं तो NCM बनेंगे, सीनियर टेक्नीशियन बनेंगे, यही था इस प्रोसेस। अच्छा, तो आप 2012 में जब रेलवे को ज्वाइन किए थे तो आप लोग अपने समय में तैयारियां कैसे किया करते थे, कैसे पढ़ाई करते थे? मैं प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाया करते थे, स्पेशल तैयारी हम नहीं करते थे। मैथ हमारा बहुत अच्छा, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट थे, क्लास में भी 10-11 तक हम मैथ अच्छा से बताया करते थे, तो ये पढ़ाई जो हमको कंपटीशन में बहुत हेल्प किया। अच्छा, जो बच्चों को पढ़ाते थे ना, वो पढ़ाई हमको कंपटीशन में बहुत हेल्प किया, हमको स्पेशल इसके लिए तैयारी नहीं करना पड़ा। अच्छा, मैथ हम इसी पर बाल लड़के उनको पढ़ाते रहते थे, मैथ हमको ऐसे आता था, रीजनिंग हम ऐसे तैयार करते थे, बच्चों को बताते रहते थे। GK वगैरह के लिए हम कोई प्रोफेसर के
किताब पब्लिकेशन वाला नहीं खरीदे थे, जीके वगैरह के लिए हम पेपर में पेपर डेली रखा करते थे, उसी से हमारा जीके मजबूत था जी। हम बैठे पास करिए परीक्षा, वो स्पेशल तैयारी कर रहे हम नहीं किए थे। अच्छा, तो आप रेलवे के अलावा और कोई एग्जाम को क्रैक कर पाए? रेलवे के अलावा और किसी एग्जाम में बैठने का मौका मिला? हाँ बैठे तो हम बहुत एग्जाम में। कौन कौन से एग्जाम में? हमें एक बार RRC वाला दिए, RPF पुलिस वाला, तो मैं रिटर्न दिए थे कलकत्ता में, रिटर्न दिए तो रिटर्न हम सफल हो गए जी। इसके बाद हम फिजिकल देने के लिए हमको पुरलिया गए, फिजिकल जो गए तो वहाँ दौड़ लिए सब कुछ किए, नापी जो नापी में हम लंबाई हमारा अधिक था लेकिन सीना कम था, चेस्ट में थोड़ा हमारा 5 सेंटीमीटर कम, इसलिए हमको छाड़ दिया गया। अच्छा, समझे, फिजिकल अनक्वालिफाइड कर गए। हम RPF में किए ऐसा, और बहुत सा एग्जाम हम दिए। कौन कौन सा? हाँ कौन कौन सा? RPF दिए, बिहार दरोगा भी हम पास किए। उसमें कहाँ तक पहुँचे? उसमें हम फिजिकल पास किए। अच्छा, रिटेन में हम असफल हो गए। अच्छा, उसके अलावा और? और भी दिए बहुत सा। कौन सा? ग्रुप डी में भी पास किए थे हम। अच्छा, में मुंबई में, मुंबई बोर्ड, हाँ गुजरात में। अच्छा, वहाँ भी हम परीक्षा दिए, हम पास कर गए, रिटर्न हमारा हो गया रिजल्ट। रिटर्न हम दिए थे अहमदाबाद में। इसके बाद हम फिजिकल के लिए हमको बुलाया गया भावनगर, भावनगर में दौड़े, फिजिकल भी हम सफल कर गए। अच्छा, इसके बाद मेडिकल के लिए हमको बुलाया गया बड़ौदा, बड़ौदा में मेडिकल दिए, मेडिकल देने के बाद डॉक्टर बोला कि तुमको थोड़ा शरीर में प्रॉब्लम है, हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम बताया, उनको दिया था कि जाओ तुम ऑपरेशन करा के आओ तो तुम्हारा फिटनेस लिखेंगे। हम घर आए, हम ऑपरेशन नहीं करा सके, हम घर में बोले कि हम ऑपरेशन करा के उतना दूर नौकरी करने नहीं जाएंगे, हम जब भी नौकरी लेंगे तो हाजीपुर में लेंगे। ठीक, घर वालों को साया भी नौकरी मिल रहा है उसको तुम छोड़ रहा, हम कहे छोड़ छोड़, घर में बोले हमको नहीं, हमको जहाँ चाहेंगे वहाँ हम नौकरी ले लेंगे। ठीक, बस तुम्हारा हो ही जाएगा, हमको कहा नहीं होगा, पढ़ते तो होगा तो नहीं, हम रिजिड हो गए, हम नहीं गए, फिर वहाँ छोड़ दिए जॉब को, फिर हाजीपुर में बैठे, हाजीपुर में पास कर गए, सफल हो गए। अच्छा, इस बीच में हम ऑपरेशन करा चुके थे, हो गया, हाँ फिटनेस दे दिया, हम जॉब कर रहे हैं। अच्छा, बेसिकली आपका कहने का मतलब था यदि ऑपरेशन हमको कराना भी पड़ा तो इतने दूर के लिए क्यों कराएंगे, नज़दीक के लिए कराना पड़ा तो हम कराएंगे। हाँ, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा? मैट्रिक कब किए, कहाँ से किए? इंटरमीडिएट कब किए, कहाँ से किए? हम मैट्रिक किए बिहार बोर्ड से 2019 में मैट्रिक किए, तो मैट्रिक से पहले आप ग्रुप डी को ज्वाइन कर लिए थे? मैट्रिक पास 1919 में 1919 में नहीं किए होंगे, 1999 में किए होंगे। 1999 में मैट्रिक किए, और इंटर कब किए? इंटर के 2 साल के बाद, मतलब कि 1999 2001। अच्छा, उसके बाद वो इंटर ही लास्ट पढ़ाई की और भी पढ़ाई करने का मौका मिला? BSc कर गया। वो BSc कब कंप्लीट हुआ? 3 साल के बाद, 2004 में। मतलब पढ़ाई में आप कोई गैप नहीं लिए, कंटिन्यू पढ़ाई करते गए? पढ़ाई भी करते गए, जॉब भी करते गए। तो 2001 के बाद BSc के बाद और भी कोई पढ़ाई किए ग्रेजुएशन के बाद? अभी तो हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं फिलहाल। तो लास्ट पढ़ाई कहाँ तक है, ग्रेजुएशन तक? अच्छा, BSc मैथ्स ऑनर्स। तो 2004 से लेकर के 2012 तक आप कंटिन्यू बच्चों को पढ़ा रहे थे। अच्छा, तो इस पद पर आपको मिलने वाली सुविधाओं की बात करें तो क्या क्या सुविधाएं मिलती है आपको रेलवे की तरफ से? इस पद पर सुविधाएं 3 टेस्ट 3 पास मिलता है, 3 सेट 4 सेट PTO मिलता है। पहले हमको मिलता था जनरल पास, अब AC का पास मिलना शुरू हो गया, 3 सेट AC का पास मिलता है, PTO 4 सेट मिलता है, यही सुविधा है, मेडिकल सुविधा है, क्वार्टर सुविधा है, यही सब सुविधा है रोज देता है। अच्छा, तो अभी आपके ग्रॉस पेमेंट की बात करें तो नेट ग्रॉस पेमेंट कितना बन जाता है आपका? अभी मेरा 42,000 रुपये बन जाता है। अच्छा, जब ज्वाइन किए थे तब कितना बनता था? 29,000-30,000। अच्छा, तो जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि NTPC की तैयारी कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स को क्या फाइनल मैसेज देना चाहेंगे आप? हम उन स्टूडेंट को कहते हैं कि रेगुलर तैयारी करते रहें, समझे ना, गैपिंग नहीं लें जी,
समझे ना, तैयारी करते रहेंगे, परीक्षा में बैठेंगे, सफल होंगे, समझे ना। और कोई गलत धंधा से सोचता है कि पास कर जाए पैसे दे के, अन्य तो पैरवी करके, गलत बात है। रेल में पैसा और पैरवी नहीं चलता, समझे। अपने बल बूते पर अगर पास करेगा, पढ़े लिखेगा तो मिलेगा जॉब। और गलत रास्ता जैसे क्वेश्चन भी कर लिया, ठीक कर लिया, ये सबसे नहीं होने वाला, जॉब नहीं मिलने वाला। तो सर ग्रुप डी में भी कई तरह के पोस्ट होते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग यदि पूछा जाए तो आपको ग्रुप डी के सबसे अच्छा पोस्ट की बात करते हैं, तो आपके अनुसार सबसे अच्छा पोस्ट ग्रुप डी का कौन सा है? नहीं, ग्रुप डी का सभी पोस्ट अच्छा है, अच्छा समझे। लेकिन मेन बात है कि अपना अपना च्वाइस है। हाँ, मार्क्स कैसा ला रहे हैं आपका, मेडिकल स्टैंडर्ड कैसा है। हम चाहते थे ऑपरेटिंग विभाग में जाने के लिए, अच्छा। तो मेडिकल स्टैंडर्ड हमारा डिस्टेंस विजन कुछ कम था, इसलिए हमको ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट नहीं मिला। अच्छा, फिर हमको च्वाइस था कि इलेक्ट्रिकल में जाते, इलेक्ट्रिकल हमको मिल गया। तो अच्छा, तो सर आपका कोई एक बेस्ट मोमेंट पूछा जाए, जब से आप रेलवे को ज्वाइन किए तब से लेकर के अभी तक, तो वो आपका बेस्ट मोमेंट कौन सा है? बेस्ट मोमेंट मतलब जिसको याद करते हैं ताजी भी आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। सबसे खुशनुमा पल, जैसे प्रमोशन होना, ज्वाइनिंग मिलना। प्रमोशन होना तो खुशनुमा चीज़ है। अच्छा, हम सफल होते गए, एग्जाम देते गए, सफल होते गए। हम असफल आज तक जब तक इलेक्ट्रिकल में आए हैं नहीं हुए हैं। अच्छा, हम तो ठीक हैं, हमने साथी भी बहुत सारे नीचे हमसे, हम आगे बढ़ गए, समझे, यही हमको खुशी। ठीक है सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।